तो सबसे पहले जो है नॉर्मल एक बन है उसको मतलब काटा जा रहा है, आगे की प्रोसेस देखते हैं। ये लगाया इसके अंदर, ये क्या है भाई साहब? ये भैया ग्रेवी है भैया, ये ग्रेवी है। हाँ जी, ये चीज़ का ग्रेवी है, तंदूरी। अच्छा, तंदूरी ग्रेवी है चीज़ की। हाँ जी, तो भाई लग तो रहा है बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। और ये सामने है कुरकुरा, कुरकुरा एक बर्गर, अब इसको खाते हैं। वाह भाई वाह, मज़ा आ रहा है। प्याज तो ट्राई करी नहीं भाई, प्याज तो ले लेते हैं भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ रोहिणी सेक्टर 7 में। यहाँ पर मतलब मैं एक शॉप पर आया हुआ हूँ, जिस शॉप का नाम है KFC, वेज KFC क्रेजी, क्या क्रेजी सैप। मतलब यहाँ पे मतलब KFC का मतलब एक बर्गर इनका एक स्पेशल है, KFC बर्गर। तो दिखाने वालों क्या खास बात है उस बर्गर के अंदर। मैंने भी मतलब देखा था, सर्च करा था फूड ब्लॉग के लिए, मैं सर्च करा था, इनकी शॉप सामने आई तो भाई अट्रैक्ट हो गया मैं, ऐसा बर्गर इनका है। तो वही बर्गर मैं हमारे व्यूअर्स को दिखाने के लिए आया हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे कैसा बर्गर है, बने रहना इस ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग की शुरुआत से पहले मैं आपको यहाँ की लोकेशन दिखा देता हूँ। रोहिणी सेक्टर 7 पड़ता है ये रही सामने इनकी शॉप। यहाँ पे मतलब पीछे हॉस्पिटल आप देख सकते हो, ये हॉस्पिटल के सामने मतलब इनका पूरे यहाँ पे शॉप है। अगर आपको मेन्यू देखना है तो एक बार मेन्यू यहाँ से देख सकते हो आप। तो स्पेशल यहाँ का है वो है KFC बर्गर, जो कि आप ये देख रहे हो KFC बर्गर, जिसका प्राइस 80 रुपीज़ है। बाकी उसके अलावा नीचे और भी काफ़ी इनके पास आइटम हैं, उसके भी अगर आपको प्राइस देख रहे हैं तो देख लो। तो फिलहाल चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का स्पेशल बर्गर। यहाँ का जो किचन है ना, फिलहाल मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, आपको कम्प्लीटली मतलब यहाँ के बारे में बता दूंगा। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंटरेस्टिंग कंटेंट ऐसा ही ब्लॉग्स वगैरह ढेर सारे अच्छा अच्छा कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहता है। और जो यहाँ के ऑनर है उनसे भी बात करवाऊँ, आपको बिलवाता उनसे भी। बट पहले हम देख लेते किस तरह से यहाँ पर बर्गर तैयार किया जाता है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर देखते किस तरह से बर्गर को मतलब तैयार किया जाता है, स्पेशल में KFC बर्गर है। तो चलो भाई स्टार्ट करो, दिखाते हमारे व्यूअर्स को। तो सबसे पहले जो है नॉर्मल एक बन है उसको मतलब काटा जा रहा है, आगे की प्रोसेस देखते हैं। ये लगाया इसके अंदर, ये क्या है भाई साहब? ये भैया ग्रेवी है भैया, ये ग्रेवी है। हाँ जी, ये चीज़ का ग्रेवी है, तंदूरी। अच्छा, तंदूरी ग्रेवी है चीज़ की। हाँ जी, तो भाई लग तो रहा है बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। और ये भी मलाई, ये मलाई ग्रेवी है, मलाई ग्रेवी लगा दिया दोनों के अंदर, तंदूर वाली। ये क्या चीज़ है? ये मलाई, अच्छा ये मलाई ग्रेवी है, वो तंदूरी ग्रेवी थी, ये है मलाई ग्रेवी। तो दोनों पार्ट इसके हैं, उसमें मलाई ग्रेवी लगा दिया जा रहा है। ये लग गया मलाई ग्रेवी। ये जी सीजनिंग है, क्या चीज़ है? सीजनिंग का मसाला है, ये सीजनिंग का मसाला है, स्पाइसी। अच्छा, स्पाइस मिक्स है इसके अंदर। ये देखो भाई तैयार करें किस तरह से, ये डाल दिया मसाला इसके अंदर। और ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है मोजरेला चीज़। अच्छा, मोजरेला है, मोजरेला, मोजरेला का चीज़ डाल रहे हैं इसके अंदर। ये डाल दिया, ये भाई मोजरेला का चीज़, ये भाई तैयार किया जा रहा पूरी तरह से। ये टिक्की, और ये है टिक्की, ये टिक्की भाई करारी करारी टिक्की इसके ऊपर रख दी। किस चीज़ की टिक्की? मकेंस, मकेंस की टिक्की है भाई, टिक्की का नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। देखते हैं भाई टेस्ट कैसा होने वाला है इसका। ये इसको कर दिया कवर, ये देखो भाई, ये ग्रिल होने जा रहा है, ये देखो इसको मतलब पूरा फ्राई कर जाएगा इसको। पहले ग्रिल करा जा रहा है इसको, यहाँ पर ग्रिल मशीन है, इसको ग्रिल किया जाएगा। कितना टाइम इसमें मतलब लगाएगा? डेढ़ मिनट ओनली, डेढ़ मिनट में देखते हैं इसके साथ क्या होने वाला है, कितना ये पक जाता है। बाकी ये सब आइटम भी यूज़ करे जाएंगे, देखते पहले इसको होने देते हैं। तो भाई डेढ़ मिनट के बाद ये सिक के तैयार हो गया पूरी तरीके से। क्या क्या बोल गया अब? ये चीज मेल्ट हो गई जिसका, चीज अच्छा जो इसके अंदर चीज डाला था वो मेल्ट हो गया। अब देखते भाई आगे क्या करेंगे, ये डुबोने वाले हो गए इसके अंदर। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये जी बैटर है जी, ये बैटर इसके लगा के जी कौन कैसे चढ़ाएंगे जी। अच्छा अच्छा, इसको पहले लगाओगे? हाँ जी। तो ये बैटर बता रहे हैं, ये किस चीज़ से बना? ये जी मैदा वगैरह से बनी जी मिक्स। अच्छा अच्छा, मैदा वगैरह से इसको बनाया हुआ है। देखते हैं स्पेशल इसको टेस्ट देने के लिए। ये देखो इसके अंदर पूरा इसको भिगो दिया है, डुबो दिया अंदर, पूरा डिप कर दिया। और ये डिप करने के बाद, अच्छा पूरी तरह डिप कर दिया इसके अंदर।
और ये बर्गर ये तैयार जो हो रहा है ये किसमें डाल दिया आपने? कॉर्नफ्लेक्स। अच्छा कॉर्नफ्लेक्स जो होता है वो है ये। कॉर्नफ्लेक्स के अंदर इसको देखो पूरा किस तरह से गायब ही कर दिया, मतलब जो बर्गर तैयार हो रहा है हमारा बर्गर ही नहीं दिख रहा। और देखने में तो लग रहा है कुछ नया सा यहाँ पर हो रहा है, देखते हैं कैसा होने वाला आगे। कितनी देर तक इसको ऐसे मिलाना है? थोड़ी देर तक, मतलब कुछ सेकंड तक आप इसको मिला सकते हैं पूरी तरह। देखो अभी हमारा पैक हो चुका है ये कौन से, ये देखो है दो बर्गर की, ये देखो ये पूरी तरह हमारा पैक हो चुका है कौन से तो फिर से। अच्छा अच्छा सही से नहीं हो पाया अभी, दोबारा इसको डाला जा रहा है इसके अंदर बढ़िया से भी। ये देखो ये देखो ये तैयार हो गया, फ्राई लाइक हो गई। अच्छा क्या हो गया ये? अच्छा इसको फ्राई किया जाएगा। अच्छा इसको लेके चलते हैं फ्राई करने के लिए। चलो भाई ये देखो ये हमारा ऑयल है, इसके अंदर इसको फ्राई करेंगे हम जो बर्गर हमारा है। ये देखो ये तैयार हो रहा हमारा बर्गर कॉर्नफ्लेक्स से, पूरा मतलब इसको पैक कर दिया है। अभी देखते हैं ये पूरा फ्राई होने के बाद कैसा लुक इसका आने वाला है। तो ये अब भाई निकाल रहे हैं इसको, अप्रोक्सली 3-4 मिनट तक इसको फ्राई करा गया है, पूरा लाल हो गया। ये देखो 3-4 मिनट तक इसको फ्राई किया गया है, ये देखो पूरा लाल हो गया हमारा बर्गर। ओ भाई क्या लग रहा है ये तो। ये इसको डाला एक बाउल के अंदर, अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। ये बर्गर को रख लिया एक सीट के ऊपर, इसको कट किया जा रहा है। ये भाई करारा हो गया, ऐसी आवाज़ ऐसी आ रही है, मैं बोल तक नहीं पा रहा, ऐसी आवाज़ आ रही है इसकी, करारा करारा बिल्कुल। कट हो गया दो पार्ट में बर्गर। और ये देखो प्लेट के अंदर लगाई प्याज। और ये क्या चीज़ डाल रहे हो भाई? ये तंदूरी ग्रेवी। तंदूरी ग्रेवी जो अंदर भी लगाई थी इसमें, यह तंदूरी ग्रेवी। ये चिली सॉस। ये है चिली सॉस। और ये हरी चटनी है। ये हरी चटनी किस चीज़ से? आम से बनी हुई, खट्टे आम से। अच्छा दही से, पुदीना वगैरह से बनाई गई है खट्टी चटनी। और ये देखो हमारा करारा करारा बर्गर, KFC का बर्गर। ओ भाई साहब इसके ऊपर डाल दिए, क्या डाले? मसाला जोड़ी। अच्छा मसाला है इनका कोई स्पेशल, वो डाल दिया इसके ऊपर। और ये हमारा बर्गर देखो भाई साहब क्या लग रहा है देखने में ही, और खा के देखने का लगने वाला है। मैं तो बर्गर लेने आया था, बर्गर खाने आया था, पर यहीं पर फ्रेंड ने बगल में से यहीं से ही चाउमीन ले ली थी हमारे। ये देखो यहीं से फ्रेंड ने चाउमीन ले ली, और चाउमीन का टेस्ट लाजवाब लग रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। तो ये हमारा सामने है कुरकुरा कुरकुरा एक बर्गर, अब इसको खाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये रहा हमारा बर्गर जो कि काफी करारा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कुरकुरे की तरह लग रहा है बिल्कुल। तो हमारे सामने चटनी आती है जैसे कि हमने दिखा दी, ग्रेवी वाली थी, प्याज थी, हरी चटनी थी, सब कुछ दिखा दिया। टेस्ट करते हैं, टेस्टी भी उसका। सबसे पहले जो स्पाइसी चटनी है वो ट्राई करते हैं, काफ़ी बढ़िया है। खा लेते हैं, तो फ्रेंड साथ में है, वो इजाज़त ले रहा है मैं खाऊं क्या। तो भाई बढ़िया लगा मुझे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें। तो क्या साथ में फ्रेंड है वो भी रिव्यू देगा, क्या सर बढ़िया है? सबसे बढ़िया क्या लग रहा है इसके अंदर? क्या लगा था ऊपर से? कौन सी? हाँ उसको फ्रेंड से कुरकुरा, जैसे कुरकुरा वाली फीलिंग आ रही है, जैसे ना कुरकुरा वाली आपने फ्रेंच फ्राई खाया होगा लाइक दैट, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। टेस्ट ही बहुत अच्छा है, उसके बाद जो वेरिएशन ऑफ चटनी दी है ना, सॉस के जो वेरिएशन है अलग अलग टेस्ट देते हैं, जैसे सॉस खाओगे वैसे टेस्ट आएगा, और मिक्स करके खाओ तो और अच्छा लगता है। तो भाई आपको भी ज़रूर ट्राई करने चाहिए जो बर्गर मैं आपको दिखा रहा हूँ, KFC के स्पेशल बर्गर, बहुत ही मज़ा आ रहा है इसमें। काफ़ी कुरकुरे है, ये सबसे ज़्यादा स्पेशल मुझे यही लग रहा है इसके अंदर। जो स्वीट कॉर्न का, ये स्वीट कॉर्न बोल रहा हूँ, कॉर्नफ्लेक्स का जो इस्तेमाल किया गया है ना, वो इसको बहुत बेटर बना रहा है इसके टेस्ट को। बाकी और ट्राई करते हैं। वाह भाई वाह मज़ा आ रहा है। प्याज तो ट्राई करी नहीं भाई, प्याज तो ले लेते हैं भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये किस चीज़ की चटनी है भाई? ये है दही से बनाई है ये चटनी, आम से बनाई है, और पुदीना वगैरह धनिया वगैरह। मेरे पे मूंगफली डाला था।
है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको तैयार किया गया है। यहाँ पे ग्रेवी वाली एक सॉस है, एक नॉर्मल जो मोमोज के साथ चटनी होती है ना वो है, मज़ा आ रहा है भाई। तो बर्गर तो खा लिया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। इतना करारा करारा बर्गर, इतना टेस्टी बर्गर पहली बार ही खाया ऐसे ही मान लो, इतना बढ़िया था बहुत ज़्यादा। यहाँ के जो ऑनर है उनसे बात कर लेते। सर आपका नाम क्या है? मनीष। थोड़ा यहाँ के टाइमिंग वगैरह लोकेशन वगैरह थोड़ा बताना। टाइमिंग यहाँ पर 2 बजे स्टार्ट हो जाता है, 2 से 11। 2 से 11 और 6-7 की डिवाइडिंग है ये। 6-7 की डिवाइडिंग है। और क्या क्या आपके पास फूड में रहेगा? फूड में एक चाप है, चाप हो गया, पास्ता हो गया, चिली ब्रेड वगैरह। तो काफ़ी कुछ है, जैसा कि यहाँ पे मैंने मेन्यू में आपको दिखाया था ना, ये सब कुछ इनके पास सारा आइटम है। तो पूरा कम्प्लीटली यहाँ का मैंने आपको दिखा दिया है। तो भाई वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हो, नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, सेक्टर 7 नियर अध्या चौक। तो कम्प्लीट यहाँ पर एड्रेस आप देख सकते हो, फ़ोन नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी के अलावा यहाँ पर छोटा सा एक मेन्यू भी है, ये मेन्यू भी आप सब कुछ देख सकते हो यहीं पर ही। उसी के अलावा दूसरे साइड पर भी मेन्यू है, ये भी आप देख लो। तो यही था आज के इस ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके आप मोटिवेट कर सकते हो। उसी के अलावा भाई अगर चैनल को पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब पहले ही कर रखा है तो प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि अच्छा अच्छा कंटेंट मैं बना रहा हूँ बट लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो शेयर करो, लोगों तक कंटेंट पहुँचाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो कुछ भी आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो चलाते हो शेयर करो। तो यही था आज के इस ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ध्यान रखिए आप सभी अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।